सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में जाने के बाद, राज्यसभा में जाए या लोकसभा में जाए, बीजेपी में जाने के बाद भी वो लोग ये आवाज उठा पाएंगे, ऐसे मुझे लग नहीं रहा है। इनका मुद्दा कोई उठाने वाला नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में 10 लाख कच्चे कर्मचारी बर्बाद हो रहे हैं, 15,000 में 15-15, 20-25 से। कांग्रेस ने शुरू किया, बीजेपी अमल कर रही है, केजरीवाल भी अमल कर रहा है, उनको परमानेंट नहीं कर रहे 25 साल के बाद भी। लोगों में जितनी अवेयरनेस आएगी तो उस अवेयरनेस का बेनिफिट लोगों को मिलेगा। लेकिन जो कांशीराम साहब ने बनाया था बीएसपी का कॉन्सेप्ट व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सिस्टम चेंज ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, मायावती सिस्टम को बदलने के लिए या सिस्टम का पार्ट पार्सल बन गई, ये बताओ। क्या कांशीराम साहब को सीबीआई का डर था? क्या कांशीराम साहब को आय के अधिक संपत्ति का डर था? राजनीति वो चाबी है, ताला हर ताले की चाबी है, सारे रास्ते खोल जाते। मैं कह रहा हूँ राजनीति की चाबी कहाँ है? मायावती भी मूल निवासी है, आठवले भी मूल निवासी भाई, प्रकाश अम्बेडकर भी मूल निवासी है, अखिलेश यादव भी मूल निवासी है। लेकिन सवाल है व्यक्तिगत नहीं है, नीतिगत है। आपकी नीतियां अगर समाज की इतनी होगी, निश्चित तौर पर समाज आपको साथ सहयोग करेगा। एक बड़ी पावर है या बीएल मतलब जो पिछले एक साल से इस कार्रवाई को कर रहे थे, उसी का प्रेशर है क्या तमाम पार्टियों पे? तो लगातार अब जनरल सीट से भी केजरीवाल जी जो है वो कैंडिडेट को लड़ा रहे हैं। पूरे भारत में जो सफाई कर्मी 29 जातियों के नाम से पहचाने जाते हैं, कहीं उसको वाल्मीकि कहते हैं, कहीं उसको मैत्र कहते हैं, कहीं उसको पूरा कहते हैं, कहीं उसको भूमि कहते हैं, कहीं उसको ढोम कहते हैं, कहीं उसको लाल बेगी कहते हैं, कहीं उसको रुखी बोलते हैं, कहीं साउथ इंडिया में नारायण बोलते हैं, अलग 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 29 नाम हैं। कहीं ओडिशा में डांडीमाल बोलते हैं, मांसफोट बोलते कहीं। तो ये 29 जातियों को इनकी ताकत, कॉमन आइडेंटिटी है, इनके पास कॉमन आइडेंटिटी है। जम्मू में भी सफाई कर्मी मिलेगा और कन्याकुमारी में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, बंगाल में मिलेगा, लेकिन इनके लिए कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। संख्या में है, संगठित नहीं। तो ये संगठित करने का हमारा निरंतर प्रयास है कि ये एक साथ संगठित अगर हो जाए तो ये ताकत के आधार पर अपने उस बार प्रेशर लगातार सरकारों पे दिख रहा है। दो राज्यसभा सांसद जो है बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से भेजे हैं और अभी हाल ही में केजरीवाल ने घोषणा की है कि जनरल सीट से कुलदीप वाल्मीकि को वो इलेक्शन लड़वा रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँ, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मेरा प्रेशर है, अब इसका साइड इफेक्ट हो सकता है तो उन जातियों को लामबंद करने का, ताकि वोटों को जुगाड़ तो करना ही करना सारी पार्टी को। तो वो एजेंडा ही ऐसा उठाते जैसे इनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन हम महर्षि वाल्मीकि का एयरपोर्ट का नाम दे दिया, खुश हो गए। यही नाम तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दिया था 30-40 साल पहले नागपुर में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट नाम दिया हुआ है। तो उससे खुश हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो वास्तविक धरातल पर जो सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में जाने के बाद, राज्यसभा में जाए या लोकसभा में जाए, बीजेपी में जाने के बाद भी वो लोग ये आवाज उठा पाएंगे, ऐसे मुझे लग नहीं रहा है। ताकि आपको मालूम होगा, एक समय उदित राज जी भी बीजेपी में गए थे कि मैं अंदर जाकर आवाज उठाऊंगा, कोई कील ठोकने नहीं देगा ना, किराए के मकान में कौन कील ठोकने देगा। तो बीजेपी ऐसे लोगों को ही बुलाएगी जो हमें हाँ मिलाने वाले लोगों का, और केजरीवाल भी वो वही तरीका अपनाएगा। इनका मुद्दा कोई उठाने वाला नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में 10 लाख कच्चे कर्मचारी बर्बाद हो रहे हैं, 15,000 में 15-15, 20-25 साल से। कांग्रेस ने शुरू किया, बीजेपी अमल कर रही है, केजरीवाल भी अमल कर रहा है, उनको परमानेंट नहीं कर रहे 25 साल के बाद भी। तो ये केवल उनको केवल खुश करने के लिए हो सकता है कि देखो आपके आदमी को हमने राज्यसभा तक भेज दिया। लेकिन सर, ये जो जन जागृति लगातार आप लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, समाज जागरूक भी हो रहा है, अपने हक अधिकारों को पहचान रहा है, कहीं ये एक बड़ी वजह तो नहीं? मैंने कहा ना, साइड इफेक्ट हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, इसका असर हो सकता है। लेकिन मैं ये कतई नहीं कहूँगा मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। लोगों में जितनी अवेयरनेस आएगी तो उस अवेयरनेस का बेनिफिट लोगों को मिलेगा, किसी भी स्वरूप में मिलेगा वो। तो
सर, जब मूल निवासी की बात हम करते हैं उसमें एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी सब लोग आते हैं, उसके बावजूद भी सब लोगों ने अभी अपने अलग अलग संगठन बनाए हुए हैं, अलग अलग पार्टियां बनाई हुई है। जब हम सत्ता प्राप्ति की बात करने की बात करते हैं तो कोई भी एकजुट होने के लिए तैयार क्यों नहीं हो पाता, क्या वजह लगती है? ये जो समस्या है हमारा समाज जातियों में नहीं, ये कृषि प्रधान देश बोलता है लेकिन है नहीं, जाति प्रधान देश है, जाति प्रधान देश है। यहाँ तरीका क्या है, जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने भी शेड्यूल कास्ट बनाया उसमें 1500 जातियाँ, सर्टिफिकेट नौकरी के समय एक कास्ट सर्टिफिकेट लगती है, वापस जाकर वो अलग अलग जाति का लेबल लेकर वो जाता है। तो बाबा साहब ने भी प्रयास किया इनको कॉमन बनाने का, तो वो अवेयरनेस का अभाव है। यहाँ लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए बनाते हैं, उन संगठनों लोगों को क्या लगता है इजी साइकी है, मेरी जाति का संगठन है, मेरे आदमी को टिकट मिला चाहे गलत है या सही है, तो पिछले को बन जाते हैं। तो जितना समाज में अवेयरनेस आएगी उतना इसका बेनिफिट होगा। इकड़ा आने का काम ये है, इकड़ा आने के लिए उनके पास कोई एजेंडा तो हो, एजेंडा है नहीं ना, एजेंडा नहीं है, लाखों संगठन जोड़ने का प्रयास है, यूनिटी ऑफ मूलवासी यूनाइट करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। आपकी ताकत होगी तो कोई आपको सुनेगा, ताकत नहीं होगी तो कोई नहीं सुनेगा। आप लाख बोलोगे इकड़ा हो जाओ इकड़ा हो जाओ इकड़ा हो जाओ, कोई नहीं सुनेगा। सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह सुनिएगा, सवाल ये भी बनता है कि अगर मान लो लोकसभा की बात करते हैं या मूल निवासी की बात करते हैं, सारी पार्टियां अगर मान लो वाल्मीकि समुदाय के ही आदमी को एक सीट पे टिकट दे देती है तो जीत तो एक वाल्मीकि की हो रही है ना। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देगा, आप वाला भी टिकट देगा, बीजेपी वाला भी टिकट देगा, कहीं कहीं सपा देगी, बसपा देगी, शरद पवार एनसीपी देगा, हाँ तो वोटों का तो सात लोग लड़े हैं तो वोट जीतने के लिए लड़े ना, तो 60 टुकड़ा हो गया वोटों का उधर शेड्यूल कास्ट के जगह पर। वाल्मीकि केवल फायदा नहीं होता, तो वो बीजेपी जनरल कैटेगरी के वोट जब डलवा देती है तो आदमी टूटकर चला जाता है। अगर वाल्मीकि को टिकट दे दिया, सामने कांग्रेस ने चमार को टिकट दे दिया, क्या करोगे, चमार वाल्मीकि को वोट देगा? आपका एजेंडा कौन सा है उसके तहत समाज को अगर कॉमन एजेंडा पर तैयार करते हो तो आज नहीं तो कल वो आपके साथ खड़े हो सकते हैं। कांशीराम साहब ने कॉमन एजेंडा बनाया था तो स्वामी प्रसाद मौर्य तैयार हो गया, बाबू सिंह कुशवाहा तैयार हो गया, डीपी यादव तैयार हो गया, जंग बहादुर पटेल तैयार हो गया, राज बहादुर पटेल तैयार हो गया, आपको मालूम है ना बाबू। हम तो वो कॉमन एजेंडा अगर आइडियोलॉजी आपके महापुरुषों की है तब तो वो आपकी बात मानेंगे। मायावती लेके चलने नहीं है, मायावती के संदर्भ में पत्रकार को ज्यादा मालूम नहीं है। काशीराम तो कहा जाता है मायावती के शुभचिंतक थे, मायावती को काशीराम ही लेके आए हैं और आप काशीराम की तारीफ भी कर रहे हैं कि कॉमन एजेंडा होना चाहिए। लेके आना और उसके अमल करना अंतर है ना। मायावती जितना बहुजन समाज के मुद्दे उठाएगी इतना बहुजन समाज उसके साथ रहेगा, अगर मुद्दे नहीं उठाएगी बहुजन समाज नहीं रहेगा। कांशीराम से कांग्रेस से कांशीराम साहब से लोग कांग्रेस से टूट क्यों आए थे, एजेंडा के ऊपर आए थे, ठीक है। कांशीराम जी की उत्तराधिकारी है मायावती जी, भाई उत्तराधिकारी है लेकिन जो कांशीराम साहब ने बनाया था बीएसपी का कॉन्सेप्ट व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सिस्टम चेंज ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, मायावती सिस्टम को बदलने के लिए या सिस्टम का पार्ट पार्सल बन गई, ये बताओ। आप यहाँ आरोप लगा रहे हैं सर, सिस्टम है, आप सिस्टम का पुर्जा बनकर सिस्टम कैसे बदलोगे? क्या कांशीराम साहब को सीबीआई का डर था? क्या कांशीराम साहब को आय की अधिक संपत्ति का डर था? क्या आपको लगता है मायावती को डर है? मुद्दों पर बोल नहीं रहे ना, ईवीएम पर ईवीएम के मुद्दे खुलकर अगर मायावती सड़कों पर आ जाए करोड़ लोग उसके समर्थन में आ जाए। मायावती कभी सड़कों पर उतरी है वैसे? तो नहीं उतर रही, तो पत्रकार उनको पूछना चाहिए ना, आप मुझे पूछ रहे हो, ये सवाल मायावती को पूछना चाहिए आपको। आप भी रहना कि सड़कों पर उतरे मायावती, कभी उतरी नहीं सड़कों पर, अपेक्षा ही तो कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप कह रहे हो कि बहुजन समाज जाएगा, हाइपोथेटिकल सवाल है ना, मैंने कहा मुद्दे उठाएगी उनका तो जाएगा, नहीं उठाएगी तो नहीं जाएगा। बहुजन समाज आईएनडी कहता है मायावती, बहुजन समाज बना कहा है अभी, अब लगा है बहुजन समाज बन गया 85% बना कहा है अभी, तो प्रोसेस में, ठीक है। कांशीराम साहब खुद कहते हैं कि मैं बहुजन समाज पार्टी तो बना लिया, बहुजन समाज बोल आपको लाखों लोग सुन रहे हैं सर, नहीं बनाया जा सकता आपको इस समय, लाखों लोग सुनेंगे आपको। सवाल यही है कि जिस तरह से मायावती कांशीराम या यूं कहा जाए कि बहुत सारे महापुरुष बहुजन समाज में हुए और उन्होंने एक राह दिखाने की कोशिश की, और अक्सर ये कहा गया कि हर ताले की चाबी राजनीति है, सत्ता है,
तो सत्ता की ओर को समाज बहुजन बढ़ चुका है, तो कमी है कहाँ? एक सेंटेंस पकड़ लिया है लोगों ने, पॉलिटिकल की द मास्टर। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वेरी द की ऑफ पॉलिटिक्स, वो चाबी है राजनीति, वो चाबी है ताला, हर ताले की चाबी है, सारे रास्ते खोल जाते। मैं कह रहा हूँ राजनीति की चाबी कहाँ है? अगला सवाल है, वेरी द की ऑफ पॉलिटिक्स, द सोशल पोलराइजेशन इज द मास्टर की ऑफ द लिबरेशन। ये आजादी की भी चाबी है, केवल सत्ता की नहीं। मैं तो फिर भी बहुजन को कहाँ रहना चाहिए? बहुजनों को अपने एजेंडा के ऊपर रहना चाहिए, अपने महापुरुषों की विचारधारा पर रहना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। और जो 131 सांसद संसद में बैठे हैं, ये बहुजन नहीं है? मूल निवासी है, उनका भी डीएनए है। व्यक्तिगत तो सवाल नहीं है, नीतिगत है विरोध। मायावती भी मूल निवासी है, आठवले भी मूल निवासी, भाई प्रकाश अम्बेडकर भी मूल निवासी है, अखिलेश यादव भी मूल निवासी है। लेकिन सवाल है व्यक्तिगत नहीं है, नीतिगत है। आपकी नीतियां अगर समाज की इतनी होगी, निश्चित तौर पर समाज आपको साथ सहयोग करेगा। सर आप भी बुद्धिजीवी हैं और बुजुर्ग हैं, हाँ। सीनियर और काफी उम्र गुजार दी आपने, लोगों को समझा समझा के, और इस तरह के जो प्रोग्राम कर रहे हैं आपके भाई, विचारधारा कैसे आगे बढ़े, अब समाज किधर जाए और किसको अपना माने, सवाल वही घूम के आ रहा है। समाज किधर जाए और किसको माने, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुद्दे चल रहा है संविधान को खत्म करने का, प्राइवेटाइजेशन से लेकर, रिजर्वेशन से लेकर, ईवीएम से लेकर, एजुकेशन कोलैप्स होने से लेकर, जितने मुद्दे चल रहा है, उन मुद्दों पर आपकी कोई पार्टी मुद्दा उठाती है तब आप उसके समर्थन करिए, नहीं उठा रहे तो उनको सवाल पूछिए, भाई ये मुद्दा आप क्यों नहीं उठा रहे हो, सवाल पूछिए, आप क्यों नहीं उठा पा रहे, आपकी क्या मजबूरी है, सवाल पूछिए नेताओं से, उठा रहे तो समर्थन करिए, सीधी बात है। रास्ता आपको तय करना है तो गलत सही का फैसला तो करना पड़ेगा। 24 में किधर आपके, 24 में किधर? 24 में मैं 2024 में तो भारत में हूँ भाई, मैं किधर नहीं जाने वाला है? पॉलिटिकल वालों को पूछो कि 2024 में कहाँ है, मैं तो सामाजिक मूवमेंट चला रहा हूँ।